तो दोस्तों यहाँ मेरे पास सैमसंग गैलेक्सी S21 FE। तो गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपना वाईफाई जो कनेक्ट कर लेना है, अगर आपका मोबाइल डेटा से कनेक्ट करोगे तो भी सॉफ्टवेयर अपडेट जो हो जाएगा, और यहाँ पे आपको एक सॉफ्टवेयर अपडेट का ऑप्शंस देखने को मिल जाएगा। अगर यहाँ पे आपको ऐसा ऑप्शंस देखने को नहीं मिलता है तो आपको जाना होगा सेटिंग्स में। सेटिंग्स में गाइस जैसे ही जाओगे तो यहाँ पे आपको जो नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है और यहाँ पे सॉफ्टवेयर अपडेट पे आपको जो टैप कर लेना है डाउनलोड एंड इंस्टॉल, यहाँ पे आपको क्लिक करना है और यहाँ से इसको जो डाउनलोड कर लेना है। तो गाइस जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे मैं डाउनलोड पे टैप करता हूँ तो हमारा सॉफ्टवेयर डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाता है, और जैसे ये डाउनलोड हो जाता है तो इसको कैसे इंस्टॉल करना है वो भी मैं बताऊँगा इस वीडियो में आगे। और गाइस जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा डाउनलोड जो कम्प्लीटली 100% हो चुका है, और यहाँ पे आपको दो ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं, एक है स्केड्यूल इंस्टॉल और दूसरा इंस्टॉल नाउ, यानी कि अभी ये सॉफ्टवेयर आपको इस फोन के अंदर इंस्टॉल करना है तो इंस्टॉल नाउ पे टैप करना है। जैसे गाइस यहाँ पे आप क्लिक करते हो तो हमारा सॉफ्टवेयर जो इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाता है, और यहाँ पे ये जो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ वो आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करोगे तो आपका डेटा जो बिल्कुल भी डिलीट नहीं होगा। और एक बात फ्रेंड्स कि जब भी आप अपना स्मार्टफोन जो अपडेट करो तो आपका चार्जिंग जो आपको 50% से ऊपर रखना है, फिर ऐसा भी ना हो कि चार्जिंग की वजह से आपका फ़ोन जो स्टार्ट ही ना हो पाए, तो ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। और यहाँ पे आप देख सकते हो सैमसंग की ब्रांडिंग आ चुकी है, यहाँ पे वन यूआई लिखा हुआ है, और यहाँ पे ये प्रोसेस जो 0 to 100% न हो जाए तब तक आपको जो वेट करना है, 25% हो चुकी है। और गाइज यहाँ पे आप देख सकते हो वन यूआई करके एक प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है जो कि 70% तक हुआ है अभी, तो आपको वेट करना है। और गाइज यहाँ पे आप देख सकते हो सैमसंग की ब्रांडिंग आ चुकी है, और फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हो ऑप्टिमाइजिंग एप्स, ये भी प्रोसेस बहुत ही फास्टली होती है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो इसके अंदर 100% हो जाने के बाद यहाँ पे शायद हमारा फ़ोन जो स्टार्ट हो जाएगा। ऑप्टिमाइजिंग एप्स वाली प्रोसेस जो लास्ट में होती है तो आपको देखे रहना है सिर्फ, और जल्दबाजी में कोई भी चीज़ प्रेस नहीं कर लेनी कि हमारा फ़ोन स्टार्ट क्यों नहीं हो रहा है, ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा। और गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो अपडेट होने के बाद फर्स्ट टाइम हमारा फ़ोन जो स्टार्ट हुआ है तो यहाँ पे थोड़ा बहुत लोडिंग लेगा और फ़ोन जो थोड़ा बहुत हीट भी होगा, तो आपको टेंशन लेने की बात नहीं है, फिर ये नॉर्मल हो जाएगा। और यहाँ पे आप सेटिंग्स में जाके चेक भी कर सकते हो कि अभी जो रिसेंटली हमने सॉफ्टवेयर अपडेट किया वो कम्प्लीटली हुआ है कि नहीं, तो यहाँ पे आपको डाउनलोड एंड इंस्टॉल पे टैप करना है, और यहाँ पे आप देख सकते हो सॉफ्टवेयर अपडेट यूर फोन हैज़ बीन अप टू डेट, यानी कि कुछ इस तरीके से आप अपने फ़ोन के अंदर सॉफ्टवेयर डाउनलोड एंड इंस्टॉल कर सकते हो। तो यू गाइस कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपका कोई भी सुझाव हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, एंड अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो क्योंकि मैं रोजाना ऐसे ही वीडियो लेकर आता रहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आज के इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, थैंक यू सो मच, बाय बाय फ्रेंड्स।